सो गाइज, एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर से नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे फ़ोन में कोई भी अपडेट्स वगैरह आता है, वो सारी डिवाइसेस को, सारे यूज़र्स को एक साथ नहीं मिलते हैं। मान लीजिए आपको मिल गया है अभी और मुझे वो मिलता है कल या फिर परसों या फिर दो चार दिन बाद, तो इस तरह का टाइम डिफरेंस क्यों होता है? जो कि इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन कंपनी है, वो सारा जो अपडेट्स जो है एक ही साथ सारे यूज़र्स को क्यों नहीं देते हैं? उसके पीछे बेसिकली पांच रीज़न है, तो वही सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और जो शायद आपको इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और गाइस, ये जो चीज़ है वो सारी स्मार्टफोन कंपनी के लिए भी लागू है, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे शाओमी को ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे शाओमी का एग्जांपल दे रहा हूँ। हाल ही में एक अपडेट आया था MIUI 10 का, तो MIUI 10 में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डिवाइसेस को मिल गया है, बहुत सारे डिवाइसेस को नहीं मिला है। अभी सेकंड बैच चल रहा है, इसके बाद थर्ड बैच आएगा, जो कि Redmi 3S, 3S Prime, Redmi Note 3, इन सारे फ़ोन्स को अपडेट मिलेगा। और जो पहले अपडेट आया था, वो आया था आपका Redmi Y1 में, Redmi Note 5 Pro में, Poco F1 में, तो इन सारे फ़ोन्स में सबसे पहले आया गया था। इसके बाद वाली जो अपडेट आया है, वो आया है यहाँ पर Redmi Note 4 में, तो इन सारे फ़ोन्स में आया है अभी के लिए अपडेट। और एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस क्या होगा कि अगर आप भी Redmi Note 4 यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपकी फ्रेंड को अपडेट आ गया होगा, लेकिन आपको अभी भी अपडेट नहीं आया होगा। तो बेसिकली बैचेस का भी बैचेस होता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होता है, तो वही सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके पीछे बेसिकली पाँच रीज़न है, पाँच कारण है ये अपडेट्स जो बैचेस में आ रहा है इसके पीछे। सो गाइस, जो सबसे पहला रीज़न है वो यही है कि जब भी कोई अपडेट्स आता है, मान लीजिए एंड्रॉयड 9.0 का अपडेट आया है अभी एंड्रॉयड पाई का, तो जो अपडेट आता है गूगल सबको दे देता है। उसके बाद जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो कस्टमाइज वगैरह करने में लग जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो MIUI है वो Xiaomi का एक कस्टमाइज OS है, इसमें आप लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाता है, चाहे अगर मैं बात कर लूँ स्कैनर की, कंपास की, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे चेंजेस या फिर और भी काफ़ी सारे नए नए फीचर्स वगैरह आ जाता है। जो Xiaomi है वो जो रोम मिलता है गूगल की तरफ से, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा कस्टमाइज करता है, उसके बाद अपने यूज़र्स के लिए वो जो रोम है वो प्रोवाइड करता है, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए ये हो गया आपका पहला रीज़न। जो दूसरा रीज़न है, आप लोगों ने देखा होगा कि MIUI 10 का जो अपडेट है, Redmi Note 3 यूज़र्स को भी मिल रहा है और Poco F1 यूज़र्स को भी मिल रहा है। सेम चीज़ Poco F1 वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सेम चीज़, सेम एक्सपीरियंस Redmi Note 3 यूज़र्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि Redmi Note 3 अभी चल रहा है Android 6.0 में। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है अभी तो फ़िलहाल के लिए अपडेट नहीं आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Android 6.0 में MIUI 10 चलेगा Redmi Note 3 यूज़र्स के लिए। Redmi Note 4 यूज़र्स का जो वर्जन है वो वर्जन है Nougat, यानी कि 7.0, उसमें भी MIUI 10 चलेगा। उसके अलावा जो Redmi Note 5 Pro है, उन लोगों का वर्जन है MIUI 8.0, उन लोगों के लिए भी Poco F1 सपोर्टेड है। उसके अलावा जो Poco F1 है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें Android 9.0 का अपडेट आ गया है, यानी कि पाई, तो उसमें भी MIUI 10 अच्छे से चल रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो कंपनीज है उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, कि अपने हार्डवेयर के हिसाब से भी देना पड़ता है, तो इसीलिए इसके लिए भी आप लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है अपडेट्स आने में। वही जो तीसरा रीज़न है, आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक फ़ोन, हर एक जो उसका हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशंस वगैरह अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको भी देखना पड़ता है, उसके वजह से भी उन लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपका जो अपडेट्स वगैरह आने आते आते थोड़ा सा लेट लग जाता है। वही जो फोर्थ रीज़न है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो Xiaomi का फ़ोन्स वगैरह होता है, वो बेसिकली दो वेरिएंट में लॉन्च होता है, एक ग्लोबल वेरिएंट और एक होता है आपका चाइना वेरिएंट। अगर मैं नोट 3, नोट 4 की बात करूँ, तो इनका पहले एक मीडियाटेक वाला वर्जन निकाला है, उसके अलावा एक स्नैपड्रैगन वाला, तो उसके लिए भी
जो कंपनीज है वो पहले अपने देश में या फिर कोई दूसरी अगर मान लीजिए कंपनी है, तो जो कंपनी जिस देश में है सबसे पहले उन लोगों को उसका अपडेट मिलता है, उसके बाद वो अलग हार्डवेयर के हिसाब से अलग डेट निकलता है। इसीलिए इस प्रोसेस में भी आपका थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद जो फोर्थ रीज़न है वो है सर्वर की कैपेसिटी। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी फ़ोन का सेल वगैरह चलता है तो कभी कभी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाता है, स्लो हो जाता है वेबसाइट। अगर मान लीजिए जो भी स्मार्टफोन कंपनियां से एक ही साथ सारी यूजर्स को अपडेट देने लग जाए, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि कितना सारा फ़ोन वो बिकते हैं, कितना सारा फ़ोन सेल होता है। अगर सभी यूज़र्स एक ही साथ अपडेट करने के लिए लग जाए तो सर्वर पर भी लोड पड़ सकता है, उन लोगों का जो सर्वर है वो भी क्रैश कर सकता है। तो इसीलिए जो अपडेट्स वगैरह है वो बैचेस में आते हैं, इसीलिए हमें लेट लगता है। और गाइस जो फिफ्थ रीज़न है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि कुछ यूज़र्स को मिलता है अपडेट, उसके बाद और कुछ यूज़र्स को मिलता है, उसके बाद और कुछ यूज़र्स को मिलता है। तो सबसे पहले जो भी अपडेट्स आते हैं नया, वो 1% लोगों को मिलता है। 1% भी बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि Redmi Note 5 Pro या फिर अगर मैं Redmi Note 4 की बात करूँ तो वो मिलियन में सेल हो गया है इंडिया के अंदर सिर्फ। अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो आप समझ सकते हैं कि 1% कितना होता है। तो सबसे पहले जो भी अपडेट्स आता है 1% लोगों को मिलता है। उसके बाद जो कंपनीज है वो फीडबैक्स जो है कलेक्ट करते हैं कि हाँ इन फोन्स में क्या सच में वो जो अपडेट्स है वो सही है कि नहीं, क्या कोई बग्स वगैरह है कि नहीं। अगर बग्स वगैरह होते हैं तो फिर सस्पेंड कर देते हैं, तो फिर आप लोगों को उसका अपडेट नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए फीडबैक वगैरह अच्छा होता है तो फिर आगे वो लोग प्रोवाइड करता है। और जब भी वो लोग आगे प्रोवाइड करता है अपडेट तो सिर्फ वो है 25 से 50% अपडेट प्रोवाइड करता है, उसके बाद 50 से 100% अपडेट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से 3 से 4 तरह से भी आप लोगों को अपडेट्स वगैरह मिलता है। सो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये अभी समझ में आ गया होगा कि अपडेट्स जो है आने में इतना लेट क्यों लगता है, इतना टाइम क्यों लगते हैं। सो गाइस इनके पीछे यही कुछ रीज़न था जो मैंने आप लोगों को बताया। सो गाइस ऐसा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। साथ ही साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। छोटा मोटा अपडेट्स न्यूज़ में वहीं पर शेयर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक्स आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को ये जानना है कि MIUI की बीटा रोम, स्टेबल रोम, इन रोम का डिफरेंस क्या है, उसके अलावा जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं वो अपडेट्स का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप कर उसके बाद व्हाट्स न्यू पे जाऊं तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि अपडेट का नाम उसके बाद MHU MIFD यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके फ़ोन के लिए शायद ये अलग होगा। तो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो उसके लिए भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को जाके भी आप एक बार चेक कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। सो गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी स्मार्टफोन कंपनियाज है वो सारा गाइज एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर से नोटिस किया होगा कि जो भी स्मार्टफोन कंपनी है वो इतना बड़े कंपनी है लेकिन फिर भी हमारे फ़ोन में अपडेट्स एक ही साथ हम सबको क्यों नहीं देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई अपडेट मुझे मिला है तो शायद वो आपको मिलने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, 2 से 3 दिन के बाद मिलता है। या फिर आपको अगर कोई अपडेट मिला है तो हो सकता है मुझे 2 से 3 दिन के बाद मिले, हो सकता है कि मेरे एक फ्रेंड है उनको 1 घंटे बाद मिले, आपको शायद 2 घंटे बाद मिले। तो इस तरह से टाइम गाइज एक चीज़ आप लोगों ने ज़रूर से नोटिस किया होगा कि जब भी हमारे फ़ोन में कोई भी अपडेट्स वगैरह आता है वो सारी डिवाइसेस को, सारे यूज़र्स को एक साथ नहीं मिलते हैं।